तो ज्ञान व्यापी से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है, तो आइए जानते हैं इसकी विस्तृत जानकारी ले लेते हैं। क्या है ये खबर? ज्ञान व्यापी परिसर में सर्वे के दौरान मिले शिवलिंग की कार्बन डेटिंग कराने की मांग को लेकर दाखिल प्रार्थना पत्र पर अदालत सुनवाई के लिए तैयार हो गई है। जी हाँ दोस्तों, अदालत में अब इसकी सुनवाई होगी कि जो शिवलिंग मिला है वो कब का है, कितना पुराना है। चार वादी महिलाओं मंजू व्यास, लक्ष्मी देवी, रेखा पाठक और सीता साहू की ओर से उनके वकील विष्णु शंकर जैन व सुधीर त्रिपाठी ने गुरुवार को इस संबंध में याचिका दाखिल की। इसमें कहा गया कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के विशेषज्ञों की निगरानी में कार्बन डेटिंग से ही शिवलिंग की आयु, धातु व विशेषता आदि का पता लगाया जा सकता है। उन्होंने इसके लिए समय सीमा भी तय करने की अपील की है। अदालत ने मस्जिद पक्ष को जवाब देने के लिए सुनवाई की अगली तारीख 29 सितम्बर तय की है। तो ये बहुत ही बड़ी खबर है ज्ञान व्यापी से जुड़ी। अब लग रहा है कि ज्ञान व्यापी जो परिसर है वो पुराने समय में हिंदुओं का ही था और हिंदुओं का ही रहेगा। तो साथियों, आपसे अनुरोध है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे और मेरी नई वीडियो आने पर तुरंत आप अपडेट हो सके।